तो राम भगवान तारा को समझा रहे हैं। देखिए, किसी को समझाना बहुत कठिन काम है, और समझा वही सकता है जो खुद समझ गया, और ज्यादातर वही लोग समझाते हैं जो खुद ना समझ हो। तो कैसे समझेंगे लोग, ना समझ के समझा। बिगड़ी घड़ी जो गलत टाइम बता रही है, उस घड़ी से अन्य घड़ियों का टाइम सही कैसे सेट हो सकता है। मैं संसार में देखता हूँ लोग, पड़ोसी के घर में कोई मर जाता है, दूसरे पड़ोसी समझाने आ जाते हैं, अरे मत रो, ये मृत्युलोक है, अब सहन करो, संतोष करो, लेकिन वो रोना बंद नहीं करता। लेकिन वो समझाने वालों के घर में जब कोई मर जाता है, तो ये पड़ोसी उनको समझाने जाता जो एक महीने पहले बहुत रो रहा था, वो बोलता बिल्कुल मत रोना, सब संसार ऐसे ही मिथ्या है। तो वो भी समझता है मूर्ख, अभी एक महीना पहले भो भो रो रहा था, हमको समझाने आया। हाँ, बड़ा ज्ञानी बनता है, कोई नहीं समझेंगे इससे, क्योंकि सब अज्ञानी है, ना समझ है, कैसे समझे। तो राम समझा रहे हैं कि हे तारा, बाली की पत्नी, तुम महान हो। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, करुणहीन नर पावत नाही। सब पदार्थ है दुनिया में, सब कुछ है, प्रेम भी बहुत है, नफरत भी बहुत है, गुण अवगुण से भरा हुआ संसार है, लेकिन जो कर्महीन है वो पाता कुछ नहीं, इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्मे प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करही सुत से फल चाखा। कर्मे प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करही बहुत सुंदर फल चाखा। जो बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान से समझना। राम समझा रहे हैं कि हे तारा, ये जड़ तत्वों से बना हुआ शरीर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर मरा हुआ तुम्हारे सामने पड़ा है, और आत्मा तो कभी मरता नहीं है, और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्व ये भी नहीं मरते हैं, खाली आत्मा और शरीर का संबंध वियोग हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। आत्मज्ञान दिया है, आत्मज्ञान ही मृत्यु के दुख से बचा सकता है, और कोई नहीं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। देखिए शब्द का अर्थ समझना, राम कहते हैं ये अधम शरीर है, एक एक शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। यहां राम समझा रहे तारा को, तारा रो रही अपने पति के वियोग में, लेकिन जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम क्यों रो रहे थे, ये तर्क आ गया सामने। आप ये ज्ञान इनको दे रहे हो, आपका ज्ञान आपके भाई को जब शक्ति बाण लगा वो तो मरा भी नहीं, अधमरा है, बेहोश है, भी जिंदा होने की संभावना, तभी रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो। तो राम ने ये बताया है क्यों मैं रो रहा हूं, ये बाली का शरीर अधम है, और लक्ष्मण का शरीर सेवा धर्म से पवित्र है, इसलिए सेवा धर्म को पालन करने वाले शरीर के लिए मैं रो रहा हूं, अधम के लिए नहीं रो रहा। पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम शरीर है, कैसे
क्योंकि बाली अधम कर्म करता था शरीर से। अगर इस शरीर से आप नीच कर्म करते हो, अधर्म कर्म करते हो, गलत कर्म करते हो, तो आपका शरीर अधम शरीर माना जाए। अगर इस शरीर से भगवत सेवा करते हो, गुरु सेवा करते हो, संत सेवा करते हो, जन सेवा करते हो, देश सेवा करते हो, गौ सेवा करते हो, समाज सेवा करते हो, समाज सुधार करते हो, सत्संग समागम करते हो, प्रचार प्रसार करते हो, भंडारा करते हो, तो ये शरीर धर्म का शरीर हो गया, फिर ये पवित्र शरीर माना जाता है। उसके लिए भगवान भी रोने लग जाता है। क्षिति जल पाके अंगन समीर। क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, और क्षिति जल पावक गगन, गगन माने आकाश, और समीरा माने वायु। बस पांच तत्व हो। पंच रचित यह अधम शरीर। फिर अगली चौपाई देखिए, समझदारी की चौपाई है। प्रकट सतन तव आगे सोवा। जो शरीर प्रकट है हे तारा, वो तुम्हारे सामने सो रहा, लेटा हुआ है बाली का पार्थिव शरीर। जीवने ते तुम के ही लगी रोवा, जीवनीते तुम के ही लगी रोवा। जीव नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, हे तारा तुम क्यों रो रही हो? जो शरीर है पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना हुआ, वो तुम्हारे सामने पड़ा सो रहा है, ये पड़ा है। और जीव जो है नित्य है, अमर है, वो तो मरा ही नहीं, तो रोती किसके लिए हो? आत्मा का ज्ञान दे दिया। कल एक माता जी आई थी, उनके लड़के की मृत्यु हुई थी, तो बहुत रो रही थी। रो रो करके उनका जो चेहरा था वो सब बहुत ध्वस्त हो गया। तो मैंने उनको समझाया, जब आ रहा था ब्यास गादी पर, मधु जी रोना मत, हेलो रायबरेली से, दुखी ना होना, बहुत रो चुकी हो, 4 महीने हो गए रोते रोते, 5 महीने हो गए, अब मत रोना। थोड़ा सा रुक गई, फिर समझाया मैंने, फिर वहां समझाया तो उनका दुख हल्का हुआ। संत का काम है, संत वही है जो तुम्हारे दुख को हल्का कर दे, तुम्हारे दुखों का अंत कर दे, और तुम्हारे जीवन में सुख का बसंत भर दे, उसी का नाम संत है। सब दुख मिट जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यासास्तो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ना ऐसा हुआ है, ना होगा, ना होता है, उस परम तत्व का नाम आत्मा है, और वही आत्मा तुम हो। तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, बस शरीर बदल जाता है। एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भव में माता बनकर पैर पूजाती, पिता पुत्र के रूप जन्मता बैरी बनता भाई, और पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई, बन जाता सगा जमाई। एक जीव के साथ में 18-18 रिश्ते। आत्मा ना किसी का बाप है, ना माँ स्त्री है, ना पुरुष है, ना जीजा है, ना बहन है, ना साला है, ना सरहज है, कुछ भी नहीं। ये तो सब शरीर के नाते रिश्ते बने हैं, जगत की व्यवस्था को चलाने के लिए, सिस्टम को संचालित करने के लिए नाते रिश्तों का रिसर्च किया गया, और नाते रिश्ते तैयार किए गए ताकि ये सब सिस्टम बिगड़ने डूब जाते हैं।
दुखी मत होना।